बढ़ती महंगाई की मार केवल आपको होम लोन और कार लोन पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसका असर आम के शौकीन लोगों के खाने के शौक पर भी दिखने लगा है। महंगाई का आलम यह है कि अब घर और कार ही नहीं, आम भी ईएमआई पर मिलने लगे हैं। पुणे के एक फल विक्रेता ने आम की सेल को बढ़ाने के लिए अनूठी स्कीम निकाली है। इसके इस आइडिया की अब खूब चर्चा हो रही है। पुणे के इस फल विक्रेता ने लोगों को ईएमआई पर आम खरीदने का ऑप्शन दिया है। यानी अगर आप आम की महंगी कीमत की वजह से उसे खरीदने से परहेज कर रहे हैं तो यह आपको इसकी कीमत किस्तों में चुकाने का विकल्प मिल रहा है। पहले फर्स्ट टाइम देखा मैं ईएमआई आम पे। तो अभी अपने खरीदी है क्या? अभी वही रहे, उसको ले रहे हैं, आ रहा है मैं। तो कितने लेंगे आप? 5 से 6 डजन। तो सुविधा मिली, उस पर क्या कहेंगे आप? कैसा है ये, आपको क्या लगता है? नहीं, वो अच्छा है। अब सबको सब ईएमआई में सब मोबाइल मिलता है, कार मिलता है, ये भी अच्छा है, सुविधा अच्छा है। ये तो बढ़िया कंसेप्ट इन्होंने चालू की है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी ऐसे आया नहीं था कि अरे ईएमआई पे आम मिलेगा। ये थोड़ा सा अलग बट यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलो अभी ईएमआई पे आम मिलेगा। आपने खरीदा आम यहाँ पर? हाँ डेफिनेटली, मैं यही पास में रहती हूँ तो बहुत बार हम लोग इनसे ही खरीदते हैं आम। तो अभी मैंने फिलहाल खरीदा है आम, तो मैंने वो पूरा इंस्टॉलमेंट पे लिया है। कितना आम लिया आपने? अभी हम लोग आम तो खरीदते रहते हैं, एक बार हम लोगों ने ईएमआई पे डाल दिया तो जब तक वो अमाउंट खत्म नहीं होती तब तक तो हम आम लेते जाएंगे। कितना अमाउंट आपने? मैंने लगभग 30,000 का 30,000 की अमाउंट की है, ईएमआई पे डाली है, तो अभी जब तक वो खत्म नहीं होते तब तक हम लोग आम खाते रहेंगे। महाराष्ट्र के देवगढ़ और रत्नागिरी के अल्फांसो आम अपने स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। स्वाद के साथ साथ इसकी कीमत भी चर्चा में रहती है। फल कारोबार से जुड़ी फर्म गुरुकृपा ट्रेडर्स एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स के गौरव सनस ने लोगों को ईएमआई पर आम खरीदने का ऑप्शन दिया है। उनका कहना है कि कीमत की वजह से खुद को आम खाने से क्यों रोका जाए। एक दर्जन अल्फांसो आम की कीमत 800 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में इस आम को खरीदने से लोग परहेज करने लगते हैं, लेकिन पुणे के फल विक्रेता के इस ऑफर ने इसे आसान बना दिया है। ईएमआई में इस कैसा है कि आप समझो अगर एक पेटी लेते हैं हमारे पास से, समझो उसका टेंटेटिवली कॉस्ट है 5,000 रुपीज कॉस्ट है, तो वो 5,000 आपके हिसाब से आप अगर बोलते हैं 3 महीने में आपको पे करना है, 6 महीने में पे करना है, 6 महीने में पे करना है या 9 महीने में पे करना है या 12 महीने में पे करना है, 18 मंथ्स का इसका ऑप्शन है हमारे पास। 18 मंथ्स तक आपको जब जो भी ऑप्शन चाहिए वो हम उसमें सिलेक्ट करके दे देते हैं। हमने लॉकडाउन में देखा कि लॉकडाउन में क्या हो गया था कि लॉकडाउन में करीबन 3 साल का पीरियड जो था उसमें हमारा जो बिजनेस था वो नियर अबाउट हाफ के इधर आ गया था, कि कस्टमर्स जो है आम से दूर जा रहे थे और उनका इंटरेस्ट उसमें से निकल रहा था। तो उसके हिसाब से हमने ये सोचा कि बाबा कुछ तो अलग करेंगे कि बाबा सब कस्टमर के थ्रू ये सब कस्टमर को तक पहुँच सके, वो हिसाब से फिर हमने ईएमआई सिस्टम का ये ऑफर चालू किया। ईएमआई सिस्टम का कैसे, हमारे पास मशीन है उसमें आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड रहेगा या डेबिट कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड में थोड़े से ही कार्ड हैं जो 3-4 मिस बैंक के कार्ड हैं वो चलते हैं, बाकी क्रेडिट कार्ड में तो नियर अबाउट सभी कार्ड चलते हैं। जैसे मोबाइल आप खरीदी करते हैं, आप मोबाइल लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी प्रोसेस है। सेम प्रोसेस में हम कार्ड स्वाइप करके आपको 3 महीने में, 9 महीने में, 6 महीने में जो भी आपको चाहिए सिलेक्ट करके उसमें हम ट्रांसफर करके दे देते हैं। यहाँ लोगों को अल्फांसो आम ईएमआई में मिल रहा है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में किस्त बनाकर इसका भुगतान करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। फल विक्रेता गौरव सनस ने कहा कि आम के सीजन की शुरुआत होते ही अल्फांसो के दाम आसमान छूने लगते हैं। ऐसे में अगर अल्फांसो को ईएमआई पर दिया जाए तो हर कोई इसका स्वाद ले सकेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने ये ऑफर पेश किया है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि फाइनेंस कंपनियां लोगों को इस आम को खरीदने के लिए फंड दें। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। ईएमआई पर आम खरीदने का ऑफर दे रहे फल विक्रेताओं का कहना है कि वो देश के पहले विक्रेता हैं जो लोगों को ईएमआई पर आम खरीदने का ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्फांसो जैसे आम के एक बॉक्स की कीमत तकरीबन 6,000 से लेकर 7,000 तक पहुंच जाती है। ऐसे में लोग अपने मन के मुताबिक आम नहीं खरीदने और कम से कम में काम चलाने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर उन्हें ये विकल्प मिले तो 700 से 800 रुपए कीमत की अब भुगतान करके मन भर कर और पेट भर कर आम खाने के लिए मिल सकते हैं।
तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। इसी सोच के साथ उन्होंने ईएमआई पर आम बेचने का विकल्प दिया है, जिसको लेकर लोगों की भी अच्छी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।